हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ये भी सेम प्रोजेक्टाइल ही होता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विथ एंगल विथ वेलोसिटी यू एंड एंगल अल्फा। बट इसी में हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, तो ये जाके यहाँ हिट करेगा इंक्लाइंड प्लेन पर, और ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है ये क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं बीटा। ठीक है, तो ये जिस पर ये प्रोजेक्ट किया गया ये है अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन जिस पर हिट कर रहा है ये है बीटा। अगर ये प्लेन यहाँ से हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, और वो हिट कहाँ पर करेगा, कुछ इस टाइप से आकर यहाँ पर ऐसे कुछ इस टाइप से आकर यहाँ हिट करेगा। ठीक है, बट यहाँ बीच में एक इंक्लाइंड प्लेन आ गया तो इंक्लाइंड प्लेन से हिट कर जाएगा। तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये इसका ट्रेजेक्ट्री सेम है, बट यहाँ पर ये कुछ हाइट पर हिट कर जा रहा है, इस हाइट को आप कुछ मान सकते हो, अभी मैं इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन मानते हैं तो इस इंक्लाइंड प्लेन से इसका एंगल क्या हो जाएगा, इस इंक्लाइंड प्लेन से ये वाला इसका एंगल हो जाएगा, जिसको मैं रेड से दिखा दे रहा हूँ। इस इंक्लाइंड प्लेन से ये, अगर इस इंक्लाइंड प्लेन से बात करें तो ये एंगल होगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया। अब अगर इस अल्फा माइनस बीटा से हम बात करें तो अगर इसको हमने ले लिया एक्स एक्सिस एक्स, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या हो गया, ये वाई एक्सिस। अब इस वाले यू को हम किधर रिजॉल्व कर लें, एक बार एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कर लें, एक बार वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लें। तो इसको हम अगर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो इधर एक हमें हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही ऊपर को एक वेलोसिटी आ जाएगी यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमने एक्स एंड वाई ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग माना है, तो ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जी कहाँ लग रहा है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कहीं भी आप इसको दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखाना हो यहाँ दिखा लो, तो यहाँ पर ऐसे जी लग रहा है। तो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन से हम मान लें कि 90 एंगल, इंक्लाइंड प्लेन से ये वाला एंगल कितना है 90, तो इधर वाला भी 90 होगा, तो ये बीटा, तो ये जहाँ पर ये टच करेगा ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो अगर ये 90 माइनस बीटा हो गया और ये एंगल 90 हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा बीटा, ये हो गया बीटा। एक बार फिर से समझो, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 90 ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा ये एंगल, और इसको हम यहाँ ये 90 पे कट करेगा, तो ये 90 ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा। तो इस g को इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, g cos बीटा, और इस g को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, g sin बीटा। मतलब अभी तक हमारे पास क्या था, g केवल एक हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल माइनस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था एक्सेलरेशन, अब हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गया, एक जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इससे 90 डिग्री बनाता हुआ, या इसके परपेंडिकुलर बोल देंगे, वर्टिकल मतलब जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, और एक इस वर्टिकल जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल, दो हमारे पास क्या आगे एक्सेलरेशन। तो इसको अगर हम एक्स वाई में बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हो, ये हो गया वाई, ये एक्स, ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया, और ये एंगल क्या हो गया यू, ये एंगल क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा, इधर हमारी वेलोसिटी हमने रिजॉल्व किया तो ये आ गया यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऊपर को वेलोसिटी रिजॉल्व किया तो ये आ गया यू साइन अल्फा माइनस बीटा।
अब यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास केवल जी रहता था नीचे को एक्सेलरेशन, अब क्या हो गया, जी कॉस बीटा और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन भी आ गया माइनस एक्स डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, जी साइन बीटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास केवल दो एक्सेलरेशन आ गया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन था, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो जी कॉस थीटा हुआ, एंड एक जो माइनस एक्स डायरेक्शन में आ गया वो जी साइन बीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जी कॉस बीटा। ये हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। बस डिफरेंस क्या हुआ ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से, कि एक एक्सेलरेशन इसमें माइनस एक्स डायरेक्शन में आ जा रहा है, मतलब जो हमारा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, कांस्टेंट, बट इसमें क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा है, बट यहाँ पर एक एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मान सकते हो इसमें लग रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वेलोसिटी को ये नॉर्मल में क्या रहता था, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था, बट यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, घटता हुआ टाइम के साथ घटता हुआ ये वेलोसिटी आगे को बढ़ेगा। जैसे अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था तो यू कॉस थीटा से ये वेलोसिटी हमेशा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता था, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जी साइन बीटा का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लग रहा है। तो हम ये डायग्राम हमने एक बार केवल बनाया है, बाकी हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे, वो केवल समझाने के लिए बनाया है आप लोगों को ये वाला डायग्राम। तो यहाँ से समझ लीजिए कि जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में है उसमें केवल हमारे पास g की जगह g cos बीटा आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा वो अब कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो वो वेरिएबल स्पीड, मतलब न्यूटन्स का जो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए लिख लेते हैं, ये हो गया x x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ux क्या हो गया इस डायरेक्शन में, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा, एंड ax इसके अपोजिट में है ये देखो g, तो ये हो जाएगा माइनस g साइन बीटा, एंड यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड ए वाई माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, माइनस जी कॉस बीटा। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग में देखो ये है हमारा वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हमें अगर जीरो रख देंगे वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगा, अगर जीरो रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आएगा, बट हमें टाइम आप फ्लाइंग अगर निकालना हो तो यहाँ तक का निकालना है, तो या तो यहाँ तक निकाल के आप जीरो कर दीजिए, या यहाँ तक निकालना हो तो यहाँ तक कैसे निकालोगे, अभी जो ऊपर को वेलोसिटी है यू साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ फाइनल पॉइंट पे आके यही वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी के पैरेलल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो हम बोलेंगे यू आई फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर ये नीचे, तो माइनस यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइंग हम निकाल रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइंग के लिए हमें इक्वेशन क्या लगाना पड़ेगा, बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो बी वाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा माइनस यू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ए वाई क्या है माइनस जी, तो माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी,
तो माइनस जी कॉस बीटा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा इंटू टी, ये उस साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से टी क्या आ गया टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइंग। यहाँ से देखो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइंग को ऐसे लिखें तो इसको क्या लिख सकते हो u टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या है यू आई, तो ये हो गया टू यू आई डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा क्या है ए वाई, तो ये हो गया ए वाई, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो टी इक्वल टू टू यू आई अपान ए वाई या टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा, ये क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइंग। अब टाइम ऑफ फ्लाइंग अगर हमें मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइंग के बाद हम क्या निकाल सकते हैं रेंज, अगर इसको इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पर इसको अगर हम आर आर से डिनोट कर रहे हैं तो उस रेंज को हम कई टाइप से निकाल सकते हैं, जिसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइंग अभी हम लोगों ने निकाला था जो था टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपन जी कास बीटा, अब यहाँ से हमें रेंज निकालना है तो देखो रेंज निकालने के लिए हम कई मेथड का यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंपल मेथड देख रहे हैं, तो इस वाले रेंज को हमने क्या मान लिया आर, मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला है इसको हमने आर कंसीडर कर लिया, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक ये हो गया आर। अब ये देखो आर कॉस बीटा है तो अगर इसको हम इधर रिजॉल्व कर दें तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आर कॉस बीटा, ये यहाँ से यहाँ तक आर कॉस बीटा और ये क्या हो गया आर साइन बीटा, ये हो गया आर साइन बीटा। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लें कि ये यू वाला जो वेलोसिटी है यू, ये पूरा एंगल कितना है ये पूरा एंगल है अल्फा, तो इधर अगर इसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी ले लें तो इधर क्या वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर देखो यू कॉस अल्फा हो गया, अब ये यू कॉस अल्फा क्या है हम इंक्लाइंड प्लेन भूल गए, अब हम मान रहे हैं कि रेंज हमारे पास क्या है आर कॉस बीटा तक हमें जाना है और आर कॉस बीटा तक जाने के लिए हमारे पास ये टाइम है और किस वेलोसिटी से जा रहा है यू कॉस अल्फा से, तो u cos अल्फा से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी u cos अल्फा है तो u cos अल्फा इंटू t इक्वल टू आर cos थीटा, मतलब r cos बीटा इक्वल टू u cos अल्फा इंटू t, मतलब ये क्या हो गया डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहां से आ गया r कॉस बीटा इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो गया टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ गया रेंज। इसको निकालने के कई मेथड हैं, आप जिसका यूज करना चाहो उसके यूज से निकाल सकते हो, ये हमारा क्या आ गया रेंज, ये आ गया हमारे पास टाइम। अच्छा यहाँ पर इन दोनों फार्मूले में अगर हम क्या पुट कर दें बीटा इक्वल टू जीरो, अगर पुट कर दें बीटा इक्वल टू जीरो, बीटा अगर जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा सिंपल हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल में अगर बीटा जीरो पुट करते हैं तो टी क्या आ जाएगा टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा बाई जी, जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग होता है टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा बाई जी, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा टू यू साइन अल्फा कास अल्फा, तो साइन अल्फा कास अल्फा क्या होता है तो ये हो जाएगा यू साइन
यू साइन टू अल्फा अपान जी, जो कि हमारा नॉर्मल रेंज होता है। तो यहाँ पर ऐसे बीटा इक्वल टू जीरो पुट करके आप निकाल सकते हो। बीटा इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दोगे तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये आर कॉस बीटा था, ये आर साइन बीटा था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आर कॉस बीटा इंटू आर साइन बीटा, ये दोनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब जो हमारे पास इक्वेशन था क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर ये दोनों पॉइंट रख दो, यहाँ से आर निकालो तो भी वही सेम आएगा। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था, वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था ये हमारे पास, टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, आर साइन बीटा, तो वाई हो गया आर साइन बीटा इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी x का वैल्यू पुट करना होगा, x क्या है r cos बीटा, तो एक मिनट, y हो गया r sin बीटा, x हो गया r cos बीटा इंटू टेन अल्फा, g x क्या है r cos बीटा, तो यहाँ हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा अपॉन टू यू cos अल्फा। और इसको इधर ले आते हैं, इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से देखो सब में आर आर है, ये आर इस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इस साइड में जाएगा ये, इसको हम इधर ला रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से हो गया कॉस बीटा टेन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब दोनों तरफ हम कॉस बीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहां से हट जाएगा, कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बीटा अपान कॉस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन बीटा, ये हो गया टेन बीटा। अब देखो टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा को लिख सकते हैं साइन टेन अल्फा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपान कॉस बीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, अब यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, इसको इसको इधर लिख लो अल्फा वाले को, मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा अपान कॉस अल्फा कॉस बीटा। और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है जी कॉस बीटा अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया।
हमारे पास यहाँ एक आर है इसमें, ये यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर कटा था, तो यहाँ पर आर भी है, यहाँ भी आर है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होके जाएगा उस साइड में, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू, यहाँ से देखो 2u, यहाँ देखिए इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2u, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये टर्म एक भूल गया था, यहाँ सही कर लीजिए 2u स्क्वायर, तो यहाँ भी आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा तो जी कॉस बीटा नीचे जाएगा, एक कॉस बीटा वहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से देखिए ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से निकाला है रेंज, तो ये क्या रहा है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, यही जब हमने इस इक्वेशन से निकाला था, या इसको हमने थोड़ा सा करेक्ट किया है, ये यू टू यू इंटू यू टू यू स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर हम मिस कर गए थे, तो यहाँ पर हमने इसको करेक्ट किया है, तो ये आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कास अल्फा अपान जी कास स्क्वायर बीटा। तो ये दो मेथड से हमने क्या निकाल दिया रेंज, इसमें फर्स्ट मेथड से हमने क्या निकाला था, कैसे रेंज निकाला था, इस वाले डायरेक्शन में आर कॉस बीटा है रेंज, और वो आर कॉस बीटा हम किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, यू कॉस अल्फा से, हम मान रहे हैं कि भी प्रोजेक्टाइल नहीं है, और टी जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग है, मतलब यहाँ तक का रेंज आ गया हमारे पास, और ये है आर कॉस बीटा, तो आर कॉस बीटा हमें यहाँ से पता चल गया, तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया, तो वो हो गया आर कॉस बीटा से डिवाइड हो गया। तो ये दो मेथड से हमने निकाला है, एक मेथड से और आपको निकाल के दिखाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा इंक्लाइंड प्लेन था, एक्स एक्सिस में ये सब हमारा यू एक्स था, ये ए वाई था, एंड यू वाई एंड ए वाई, ये सब अभी हम लोगों ने सीखा था, इसको हमने कैसे लिखा था। अब यहाँ पर देखो हम रेंज, इसको हमने आर मान लिया, अभी हमने दो टाइप से रेंज निकाला था, ये थर्ड मेथड से निकाल रहे हैं, तो इसको हमने आर मान लिया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यू एक्स टी माइनस या हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और टी अभी हमने निकाला था, टी इक्वल टू क्या था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा, ये था हमारा टी, तो टी का इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एक्स, यू एक्स क्या है u कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा माइनस हाफ ए एक्स, तो ये माइनस यहाँ पर हमने पहले ले लिया, तो ये हो गया जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4u साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपान जी स्क्वायर कॉस बीटा। तो यहाँ से देखिए आर इक्वल टू आ गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, इतना हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू जी कॉस स्क्वायर बीटा लिया है, तो यहाँ पर कॉस बीटा है जी कॉस बीटा, तो एक कॉस बीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पर देखिए इस जी से ये जी स्क्वायर हट जाएगा और ये बाहर आ गया, ये कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये इस टू से ये डिवाइड हो गया, तो टू यू स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। तो ये हमारे पास टोटल ये क्वांटिटी बचा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा कॉस अल्फा, ये इतना क्वांटिटी, इतने क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। देखो हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी
कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एंड कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ भी कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ हो गया साइन ए कॉस बी इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन बीटा, ये टर्म हो गया। अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी, तो अब क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी इंटू साइन बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कॉस ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और इसमें कॉमन हो गया कॉस अल्फा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये क्वांटिटी क्या हो गया वन, तो कितना बचा यहाँ पर केवल कॉस अल्फा, तो इसके पहले क्या था टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ गया टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये आ गया हमारा रेंज। इससे पहले भी हम दो मेथड से निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमने ये थर्ड मेथड से रेंज निकाला है, अगर इसमें हम बीटा इक्वल टू क्या पुट कर दें जीरो, तो ये नॉर्मल जो हमारा रेंज आता था वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आया था रेंज टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कास अल्फा अपान जी कास स्क्वायर बीटा। अब इसमें हमें अगर मैक्सिमम रेंज निकालना हो, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमारे पास ये वाला टर्म जो है ये वाले टर्म को केवल हमें अल्फा के टर्म में आना चाहिए, तो जैसे ये कास अल्फा साइन अल्फा है तो इसको थोड़ा सा टर्म चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो हम साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा और ये टू भी ले ले रहे हैं यहाँ पर टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो ये हो गया टू टू कॉस अल्फा, अब इसको हम लिख रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर जो ये कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको हम चेंज कर देंगे, इसे होता है कॉस टू अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से ये हो जाता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, साइन को हम चेंज कर देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है माइनस वन होता है यहाँ पर, तो ये हो गया कॉस टू अल्फा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस टू अल्फा प्लस वन बाई टू, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को इस टर्म में यहाँ पर हमें ब्रेक करना है, तो ये हो गया टू साइन अल्फा कॉस बीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा को यहां से पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन बीटा। अब यहां से 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां पर ये देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो क्या आ जाएगा कॉस 2 अल्फा
साइन बीटा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन टू अल्फा कॉस बीटा, कॉस टू अल्फा साइन बीटा, मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये आ गया साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, ये हमारे पास आ गया। इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, आर वाले में। तो अगर इस आर वाले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस बीटा इंटू माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें रेंज मैक्सिमम करना हो तो कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी साइन टू अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा तो कांस्टेंट है, हम चेंज किसको कर सकते हैं, अल्फा को। बीटा क्या है, बीटा कांस्टेंट है, बीटा में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज किस में कर सकते हैं, अल्फा में। तो अगर चेंज करेंगे तो अल्फा में चेंज करेंगे तो इसको मैक्सिमम होने के लिए ये क्या होना चाहिए, साइन टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये एंगल 90 होना चाहिए, मतलब टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई बाई टू, तो टू अल्फा क्या होना चाहिए, पाई बाई टू प्लस बीटा, तो अल्फा क्या होना चाहिए, पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू, ये कंडीशन हमारा आता है अल्फा पे फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम रेंज क्या होगा ये निकालना हो तो इस अल्फा को यहाँ पुट करेंगे, तो इस अल्फा को यहाँ पुट करेंगे तो साइन वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन, तो आर आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर वन माइनस साइन बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया मैक्सिमम रेंज। अगर इसमें हम बीटा को क्या पुट कर दें, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, जो क्या होता था हमारा मैक्सिमम रेंज इन सिंपल प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से आपका ये कंडीशन आ रहा है अल्फा, अल्फा किसके लिए, इन इंक्लाइंड प्लेन पर मैक्सिमम रेंज के लिए, जो होगा पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू। अच्छा देखिए इसी को एक टर्म में और लिख सकते हैं हम, जैसे इसको हमने लिख लिया यू स्क्वायर माइनस साइन बीटा इंटू जी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन बीटा वन प्लस साइन बीटा, तो ये हो गया यू वन माइनस साइन बीटा अपान जी वन माइनस साइन बीटा एंड वन प्लस साइन बीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपान जी वन प्लस साइन बीटा। तो ये एक हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज का हमारे पास दो टाइप से फार्मूला आ गया, एक ये एक ये, तो बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ये निकालना है कि ये किस हाइट पर, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल किस हाइट पर हिट करेगा, मतलब ये वाई निकालना है ग्राउंड से, ये जो इसका इंक्लाइनेशन है यहाँ का ये हाइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो हमें वाई निकालना है, तो ये हो गया एक्स टेन बीटा। अब देखिए एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम मान ले रहे हैं कि ये प्लेन है ही नहीं, तो x क्या हो जाएगा, इधर को वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा, तो u cos अल्फा, और कितना टाइम तक चलेगा, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग था जो था 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, तो 2u cos अल्फा ये वेलोसिटी हो गया इनटू टाइम 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये क्या हो गया हमारा 2u साइन अल्फा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया x, x डायरेक्शन में चली गई दूरी, तो ये हो गया हमारा x टोटल इनटू टेन बीटा। टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो ये y क्या आ गया,
यू कॉस अल्फा साइन बीटा एंड टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारा हो गया हाइट। ठीक है, तो इसको और भी कई मेथड से निकाल सकते हो, जैसे हमने रेंज निकाला था कई टाइप से, ऐसे इसको भी निकाल सकते हो। एक और किस मेथड से निकाल सकते हो, तो यहाँ देखिए अब हम सेकंड मेथड से निकाल रहे हैं वाई, मतलब किस हाइट पर हिट करेगा। तो यहाँ से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हम ये मान रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो वाई यहाँ से निकल आएगा, हमारे पास यहाँ ऊपर को वेलोसिटी पता है कि ऊपर को वेलोसिटी क्या है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा से ऊपर फेंका गया, कितने टाइम तक ये चला ये टाइम पता है, तो ये टाइम रख देंगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वाई आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर एक ही वाई होगा। तो यहाँ पर देखो वाई इक्वल टू यू वाई, यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा इंटू टी टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखो बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा, और यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा लिया है, कॉस बीटा यहाँ पर है तो एक कॉस बीटा भी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये टू से ये टू हो गया, जी से जी कट गया, तो यहाँ टू यू स्क्वायर बचा जो कि बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये जी कॉस स्क्वायर बीटा बाहर चला गया। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो वाई इक्वल टू यहाँ पर ये भी लिख देते हैं टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब यहाँ से क्या क्या बच जाएगा, वाई इक्वल टू यही सेम क्वान्टिटी आ गया, देखो वाई इक्वल टू टू यू स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा और नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा, जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था वही फिर से आ गया वाई इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है फाइंड अल्फा फॉर वाई मैक्सिमम, मतलब इस वाई मैक्सिमम के लिए अल्फा क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, कभी इंक्लाइंड प्लेन देके ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी बिना इंक्लाइंड प्लेन के अल्फा पे यू एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये डिस्टेंस एक्स दे देते हैं कोई कॉन्स्टेंट डिस्टेंस जैसे ए या बी, और इसमें पूछ लिया जाता है कि ये अगर मैक्सिमम कितना हाइट पर हो कि हम मतलब अल्फा क्या हो कि मैक्सिमम हाइट पर हम हिट कर सकें। तो ये दो टाइप से इंक्लाइंड प्लेन के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विदाउट इंक्लाइंड प्लेन भी पूछ सकते हैं कि मतलब एच हमारा अल्फा क्या होना चाहिए कि ये मैक्सिमम हाइट पर हिट करे। तो इसके लिए देखो हमने एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो था वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ एक्स टेन अल्फा माइनस था जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आप कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा,
और sec स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो इसको हमने कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है y मैक्सिमम हो, तो y मैक्सिमम के लिए हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अगर अल्फा मैक्सिमम होगा तो tan अल्फा भी मैक्सिमम होगा, तो tan अल्फा हम निकाल लेते हैं कब मैक्सिमम होगा, क्योंकि tan अल्फा मैक्सिमम हो मैक्सिमम कब होगा ये निकालना ज़्यादा ईजी है, जबकि इसको हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं dy वाई अपान डी थीटा, बट dy वाई अपान डी थीटा निकालना टप है, वो भी वही आएगा, क्योंकि जब थीटा मैक्सिमम होगा तो tan, जब अल्फा मैक्सिमम होगा तो tan अल्फा भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर dy वाई अपान डी tan अल्फा इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर tan अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, tan अल्फा का tan अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो गया x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट, इंटू 1 का tan अल्फा के रिस्पेक्ट में, 1 कांस्टेंट है 0, एंड tan अल्फा का 2 tan अल्फा इक्वल टू 0, तो x से x स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर आ गया जी एक्स अपान टू यू स्क्वायर इंटू 2 tan अल्फा इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 tan अल्फा क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी एक्स, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स u स्क्वायर बाई जी एक्स। तो हमारा अल्फा क्या होना चाहिए, tan इनवर्स u स्क्वायर बाई जी एक्स जब होगा तो ये मैक्सिमम हाइट पर हिट करेगा, जबकि कहाँ से ये इसका डिस्टेंस वहाँ से टारगेट से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, जो कि ये x है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था अप द प्लेन, यह है डाउन द प्लेन, मतलब अभी तक हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल फेंक रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ, अब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना है, तो उसको बोलते हैं डाउन द प्लेन। तो ये मान लो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये एंगल था बीटा, और अब हम यहाँ से ऐसे एक प्रोजेक्टाइल यू पर फेंक रहे हैं, और ये एंगल है अल्फा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो कुछ इस टाइप से ये आके यहाँ कहीं हिट करेगा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें तो इधर को वेलोसिटी क्या हो जाएगी यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसके 90 पर इधर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो वाई में क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा, जी वही रहेगा जो जी पहले था, इधर जी, इधर जी कॉस बीटा, इधर जी साइन बीटा। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में हमें पता चल गया, यहाँ लिखना हो तो एक बार और लिख लो, खाली टाइम वेस्ट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या होगा यू एक्स, अब हम पॉजिटिव इस वाले डायरेक्शन में मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है, तो यू एक्स क्या हो गया यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ए एक्स क्या होगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये माइनस ना हो के जी साइन बीटा हो जाता है, पिछले में क्या था माइनस जी साइन बीटा, ऐसे ही यू वाई क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा, ए वाई क्या हो जाएगा ये देखो वेलोसिटी ऊपर को जी नीचे, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जी कॉस बीटा। तो अब यहाँ अगर टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइंग के लिए क्या लिखेंगे बी वाई इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइंग, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें निकालना है, तो ऊपर की क्या है वेलोसिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हम t इक्वल टू क्या, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर जो जो वेलोसिटी ऊपर है उसी वेलोसिटी से ये नीचे की डायरेक्शन में टकराएगा,
मतलब यहाँ पर किससे टकराएगा, यू वाई से, जो वेलोसिटी यू वाई ऊपर है माइनस यू वाई से टकराएगा, तो यू वाई माइनस ए वाई क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इनटू टी, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू यू वाई अपान ए वाई, तो यू वाई क्या है, टू यू वाई वहाँ से पुट कर दीजिए, यू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी यू आई जी कॉस बीटा, माइनस पहले ही हम ले चुके हैं तो जी कॉस बीटा यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारा टी। अब देखो जो हमारा अप प्रोजेक्टाइल था, अप द प्लेन था, उसमें क्या था, अप द प्लेन वाले में यहाँ अल्फा माइनस बीटा आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि बीटा को हमें किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस बीटा से। तो जितने भी हमने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उसमें बीटा से किसको रिप्लेस कर दो, माइनस बीटा से, तो हमें किसका फार्मूला मिल जाएगा, अप द प्लेन का, मतलब डाउन द प्लेन का। तो जैसे उसमें आर क्या था हमारा, आर इक्वल टू था टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो बीटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस बीटा से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बीटा। तो ये किसके लिए फार्मूला हो गया, डाउन द प्लेन के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक फार्मूला था हमारा आर मैक्स क्या था, यू स्क्वायर अपान वन प्लस साइन बीटा इंटू जी। तो यहाँ पर देखो अगर नीचे की क्वांटिटी बड़ी होगी तो रेंज क्या आएगा, कम आएगा। अगर यहाँ बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो नीचे की क्वांटिटी क्या होगी, नीचे की क्वांटिटी छोटी होगी, तो छोटी क्वांटिटी से अगर किसी में डिवाइड करेंगे तो रेंज बड़ा आएगा, तो यहाँ रेंज बड़ा आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमारा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है डाउन द प्लेन अगर कहीं भी हमारे पास है तो डाउन द प्लेन में जितने भी फार्मूले हमारे पास अप द प्लेन के हैं उसमें बीटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस बीटा से, ठीक है। जबकि ये पता होना चाहिए आपको कि ये बीटा है तो ये बीटा है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अल्फा है, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तब ये वाला ट्रिक काम करेगा कि आप बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें। तो ये हो गया हमारा डाउन द प्लेन। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत ढेर सारे फार्मूले पढ़ लिए, टाइम ऑफ फ्लाइंग पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, रेंज को हमने थ्री मेथड से निकाल लिया, हाइट पढ़ लिया, हाइट को दो तीन टाइप से हमने निकाल लिया, और भी कई लॉजिक हम लोगों ने देख लिया। बट मैं ये बोलता हूँ कि हमने फार्मूले तो इतने पढ़ लिए, हमने ये फार्मूले इसलिए बताए क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है एट इंक्लाइंड प्लेन, तो उसमें कोई भी फार्मूला आप याद ना रखिए, केवल आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पता होना चाहिए। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट और लॉजिक फिर से बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास मान लो इंक्लाइंड प्लेन था, ये था बीटा, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया गया एट द एंगल अल्फा, और ये अल्फा कहाँ से है, पूरा एंगल है, ये अल्फा पे प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी यू, तो ये कुछ इस टाइप से गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ गया। अब अगर हम यहाँ से एंगल देखेंगे, कहाँ से, प्रोजेक्शन जो हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। अब इसको रिजॉल्व कर लो, मान लो एक्स डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया यू साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करो तो ये वाई हो गया, इधर हो जाएगा यू साइन, ये यू कॉस होगा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये पता चल गया हमारे पास, ये हमारे पास एक्स है। अब जी को भी रिजॉल्व कर लो, जी नीचे लग रहा है जी, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला लगेगा, ये यहाँ से 90 बना रहा है, तो एक बार देखो ये बीटा है,
ये अगर ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये भी 90 है तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो गया बीटा। अगर ये बीटा हो गया तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी कॉस बीटा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा। बस इतना अगर आपको रिजॉल्व करना आता है तो आपको सब कुछ आता है। यहाँ पर आप एक्स एंड वाई एक्सिस में लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमने बताया था एक्स वाई में लिखने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यू एक्स लिख लो। यू एक्स क्या है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, तो ये हो गया यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ए वाई क्या है, ए एक्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा माइनस साइन बीटा। ऐसे ही यू वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ए वाई क्या है, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, इसके तो क्या हो जाएगा माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, ये आपको पता हो गया, ये आपके पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, उसमें वेलोसिटी आपको पता है, इसमें एक्सेलरेशन पता है, वाई में वेलोसिटी पता है, वाई में एक्सेलरेशन पता है, और आपके पास ये तीन इक्वेशन है, कौन से, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इक्वेशन आपको पता है, तो आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले से सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइंग इस वाले फार्मूले से आ जाएगा, किस डायरेक्शन में ले लेंगे आप, वाई डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग हमने निकाला भी था, वाई डायरेक्शन में लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू वाई इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई टी, तो यहाँ से टी क्या आया था टू यू वाई अपान ए वाई, ये हमारे पास टी आया था, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। बट अगर इस डायरेक्शन में आपको रेंज निकालना है तो इस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी इस वाले से निकाल सकते हो, वाई क्या हो जाएगा रेंज, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, यहाँ से उठा के रखोगे तो रेंज निकल आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जो बुक में सारे फार्मूले दिए थे, मैंने सारे फार्मूले डिराइव कर दिए, बट आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, केवल आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और ये तीनों हमारे इक्वेशन पता होना चाहिए मोशन की। ठीक है, तो इससे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे किसी भी फार्मूले का मैं डायरेक्ट यूज नहीं करूँगा, हर एक को लॉजिक से सॉल्व करेंगे, केवल उसको हमें कॉन्सेप्ट पता हो और लॉजिक पता हो, तो हम हर एक क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन के मोशन को हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि जो हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल था उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस उसके उसका जो फार्मूला था वो थोड़ा इजी वे में था तो हमें याद रह जाता था, बट इसके फार्मूले इजी नहीं है इंक्लाइंड प्लेन के, और फार्मूला याद करने से अच्छा है आपको फार्मूला, जो आप फार्मूला लिखोगे उतने बड़ा सा फार्मूला आप लिखोगे, उससे आप इजीली अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो दो लाइन में आपका कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें फार्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।